वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी ने भूगोल का सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। यानी प्रवास माइग्रेशन, उसका प्रकार कितना होता है, इस प्रवास के कारण क्या है और उसका रिजल्ट यानी परिणाम क्या होता है, इस चीज के बारे में इस चैप्टर में आपका मेंशन किया गया। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट है, इसमें कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। इसलिए आपको सिर्फ रट्टा मारना है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, रट्टा मारना है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और सारा चीज को नोट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे याद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर बाय चैप्टर जिस तरह से हम लोग चल रहे थे, फर्स्ट चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर हम लोग पहुंचे हैं। तो सेकंड चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और इससे क्वेश्चन आपके आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, इससे आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका, समझ रहे हैं, चैप्टर का नाम है प्रवास, प्रकार, कारण तथा परिणाम। आपका बुक का नाम है, आपको जानते हैं बुक जो है आपका सेकंड बुक है, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, है ना, सेकंड बुक है, ठीक है। तो प्रवास, प्रकार, कारण, तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे यानी माइग्रेशन टाइप्स, कॉज एंड कंसीक्वेंसेस, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज देख लेते हैं। देखिए प्रवास क्या होती है इसको हम लोग जानेंगे, इसके क्या क्या प्रकार है इसको जानेंगे, जनगणना में प्रवास की क्या भूमिका रहती है, ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। धारा यानी प्रवास की धारा, यानी प्रवास किधर से किधर हो रही है इसको हम लोग जानेंगे, प्रवास के कारण क्या है, उसके परिणाम क्या है, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सिंपल सा चीज है, देखिए एक होता है उत्प्रवास, अप्रवास, प्रवास के प्रकार, कारण, कारक, क्या सब है, ये सारा चीज आपका दिया गया है चैप्टर में। तो आपका चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, आपका क्वेश्चन बनते हैं, चैप्टर इजी है, बहुत ही इजी है और क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है इस चैप्टर से, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमेशा इस चैप्टर से पूछा गया है। देखिए उत्प्रवास और अप्रवास, ये जो उत्प्रवास अप्रवास क्या होता है, प्रवास का एक तरह से कारण होता है यानी प्रवास का प्रकार होता है। यह अप्रवास के बारे में सीटेट वालों को पूछा गया इस बार, ठीक है, यानी इस बार नहीं जो इससे पहले हुआ था, ठीक है। अप्रवास क्या है तो वो लोगों को पूछा गया, तो समझ रहे हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से अभी अगर पढ़ेंगे तो आपका जो आगे अगर कोई कंपिटिशन एग्जाम में बैठिएगा तो यही सब आपका काम आने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, चैप्टर का नाम ही आपका प्रवास, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रवास क्या होता है यानी माइग्रेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल सा चीज है भाई, अगर कोई काम है, ठीक है, आप अगर किसी कारण की वजह से, है ना, कोई काम की वजह से अगर आप कहीं जा रहे हैं, मान चलिए आपको कोई जरूरत है, आप गांव में रह रहे हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रही है, आप चले गए शहर में, आपका गांव से रहते रियलिटी आप देखते भी होंगे कि बहुत सारे लोग चले जाते हैं शहर में, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, फिर विदेश चले जाते हैं, दुबई वगैरह चले जाते हैं। तो वो रोजगार के लिए जो एक जगह से दूसरे जगह गया यानी अपना मूल स्थान छोड़ के जो गया उसको कहते हैं प्रवास। सिंपल सा मीनिंग है, प्रवास का मतलब होता है एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाना, क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। अब वो अस्थायी प्रवास होगा या फिर अवस्थाई प्रवास होगा या फिर कम समय के लिए, कुछ समय के लिए प्रवास किया है या फिर एक तरह से ज्यादा समय के लिए प्रवास किया है, तो वहां डिपेंड करेगा कि वह अस्थाई है या फिर अवस्थाई है, ठीक है। तो सिंपल सा मीनिंग यही समझना है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, प्रवास यानी माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपल सा चीज है, परिस्थिति या वातावरण के अनुसार, यानी जाइएगा तो कोई किसी को ये गया है क्या, शौक गया है क्या कि बिना फालतू का यहां से वहां जाएगा या फिर बिना फालतू का यहाँ बिहार से चले जाएगा दिल्ली, कुछ परिस्थिति होगा उसके साथ, कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा, हो सके उसको रोजगार नहीं मिला होगा, ठीक है। परिस्थिति वो वातावरण के अनुसार या फिर वातावरण के अनुसार मानव एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बस जाते हैं, जिसे क्या कहता है, प्रवास यानी माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ, देखिए ये दुनिया का एक नक्शा है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये श्रीलंका है, ध्यान से देखिएगा तो ये श्रीलंका है और यहाँ हमारा क्या है, ये इंडिया है, ठीक है। ये जो है इंडिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इंडिया है। अब देखिए ये पूरा, ये जो ये रशिया है, बीच में मंगोलिया है, चाइना है, ये सब जो है सभी देश के, पूरा दुनिया के लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं भाई, प्रवास के लिए प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जो जाते हैं वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। अब ये कारण कुछ भी हो सकता है, हो सके यहाँ जो आपका ये है, ठीक है, यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का आदमी इंडिया आएगा कोई कंपनी में काम करने के लिए, या फिर हो सकता है यहाँ इंडिया का आदमी जो है, साउथ इंडिया का आदमी यहाँ कोई मलेशिया में काम करने के लिए जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी कारण हो सकता है, और ज्यादा कारण क्या होता है प्रवास का, वो होता है रोजगार, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, सबसे बेस्ट जो कारण है, ज्यादातर कारण जो होता है 99% कारण क्या होता है, रोजगार, और उसके बाद फिर क्या होता है, विवाह, यानी ग्रामीण क्षेत्र में विवाह हो जाता है, परमानेंटली नहीं, अस्थायी प्रवास उसको कहते हैं, विवाह को, ठीक है, यानी स्त्रियां जो करती है। प्रवास का मतलब आप समझ लिए, ठीक है। प्रवास जो है पूरे दुनिया में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह हो रहा, पूरे दुनिया में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो पूरे दुनिया में क्या होता है, प्रवास होता है, ठीक है। अब चलिए प्रवास के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई, क्या मजबूरी आई जो आप एक जगह से एक जगह छोड़कर के दूसरे जगह जा रहे हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए रोजगार की तलाश में व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है, आप जानते हैं, अगर बात बोलूं यूपी बिहार,
देखिए यूपी बिहार में जो है एक तरह से रोजगार की थोड़ी कमी होती है, ठीक है, रोजगार की कमी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यूपी और बिहार जो है आपके प्राकृतिक संसाधन से इतना संपन्न नहीं है, जितना झारखंड है उतना नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यानी हमारे यहाँ के जो मजदूर लोग हैं उनको एक तरह से रोजगार की तलाश में मुंबई, दिल्ली, ये सब में जाना पड़ता है, कोलकाता, ये सब में जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो लोग क्या किए, रोजगार के कारण क्या किए, एक तरह से एक जगह से दूसरे जगह गए, तो वो लोग क्या किए, प्रवास किए, ठीक है। ये कारण हो सकता है, सूखा, बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा भी प्रवास का मुख्य कारण हो सकता है। इसके साथ साथ ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान आदि भी मानव को प्रवास करने के लिए मजबूर कर देता है। भाई अगर आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं हो सके वो क्षेत्र नीचा इलाका हो, ठीक है। 2017 का बाढ़ किसको याद है, ठीक है, 2017 का जो बाढ़ आई थी, ठीक है, बिहार में 2017 का जो बाढ़ आई थी, ठीक है, याद है ना, 2017 का बाढ़। क्यों? एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा था हम लोगों को, नहीं कि हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को घर छोड़ना पड़ा था, प्रवास करना पड़ा था, क्योंकि बाढ़ वगैरह आ गया था, ठीक है, सुनामी छा गई थी, भूस्खलन आ गया था, चक्रवाती तूफान वगैरह, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो जिसके कारण क्या करना पड़ता है, उस जगह को छोड़ना पड़ता है। अगर जिस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा हो रही है उसी क्षेत्र में रहिएगा तो वहां फिर जानमाल का नुकसान है, जिसके कारण लोग को वहां से प्रवास करना पड़ता है। तो ये भी होगा, प्राकृतिक आपदा भी क्या होगा, प्रकाश का मुख्य कारण होगा। सबसे पहला कारण क्या होता है प्रवास का, यानी प्रवास का रोजगार होता है। दूसरा क्या हो सकता है, प्राकृतिक आपदा हो सकता है, ठीक है। पुरुष का भी प्रवास घर जमाई तथा स्त्रियों का प्रवास वैवाहिक जीवन में होता है। अगर आप देखें मेघालय की अगर बात करें, ठीक है, मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो है, यानी उधर जो है आपका उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, जहां जो है स्त्रियां शादी के बाद जो लड़के के यहाँ नहीं जाती है, मतलब जो उनका हस्बैंड है वहां वो नहीं जाते, लड़कों को ही, लड़का को ही क्या करना पड़ता है, घर जमाई बनकर रहना पड़ता है। यहाँ वो रीति रिवाज वैसा ही है, ठीक है, बाकी शेष इंडिया को छोड़ करके, मतलब पूरा इंडिया को छोड़कर सिर्फ मेघालय की अगर बात करें, वहां लड़कियों की जो शादी होती है तो लड़का को जो है घर जमाई बनके रहना पड़ता है, ठीक है। अब वहां लड़की जो है वो अपना घर नहीं छोड़ती है, तो वहां क्या करना पड़ा, लड़का को प्रवास करना पड़ा। प्रवास किसको करना पड़ा, लड़का को करना पड़ा। लेकिन अगर शेष भारत की अगर बात करें उसको छोड़ करके, हमारे बिहार, यूपी, बंगाल, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं, तो यहाँ क्या करना पड़ता है, लड़की को प्रवास करना पड़ता है, लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो ये क्या हो सकता है कि विवाह नहीं, वैवाहिक जीवन यानी सामाजिक ये संबंध है ना, विवाह क्या है, एक सामाजिक संबंध है, यानी एक तरह से आप सोशल बॉन्डिंग है। इसको क्या कहा गया, विवाह को सोशल बॉन्डिंग कहा गया है ना, इसको विवाह को क्या कहा गया है, सोशल बॉन्डिंग कहा गया। तो ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है। अगला कारण आप देखिए, ये सब कारण आप लिख दीजिएगा, आपको कारण पूछा जाएगा अगर प्रवास का, तो कारण आप आराम से लिख सकते हैं, ये सब कारण जो है प्रवास का कारण होता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हम लोगों को कह रहा है कि 1881 ईस्वी में प्रवास वास्तव में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना शुरू कर दिया गया था, यानी जो हमारे लॉर्ड मेयो के काल में, यानी संपूर्ण जनगणना जो हुई थी 1881 में हुई थी, यानी 1881, यानी जो संपूर्ण जनगणना, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना जो हुई थी पूरा कंप्लीट रूप से 1881 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में, अंग्रेजी अधिकारी के काल में, ठीक है। लेकिन उसी जो है वही काल में जो है उसी जनगणना में जो है लिखना स्टार्ट कर दिया गया था इसमें रजिस्टर में कि कौन कहां प्रवास कर रहा है, किसका घर कहां है, कौन कहां जाके बसा, ये सब चीज उसमें ब्यौरा लिखना स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। इन आंकड़ों को जन्म स्थान के आधार पर तैयार या दर्ज किया गया था, यानी आपका जन्म कहां हुआ, आप रह कहां रहे हैं, ठीक है, ये दोनों जो है, ये सारा चीज जो बहुत सारे कॉलम उसमें बनाए गए थे, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि जनगणना का जो रजिस्टर होता है उसमें बहुत सारा कॉलम होता है, जन्म स्थान, ठीक है, एक तरह से रहने का स्थान, या फिर घरों की संख्या, घर कहाँ है, ठीक है, ये सारा चीज, डिस्ट्रिक्ट होता है, वार्ड नंबर, पंचायत, नगर निगम, सारा चीज उसमें ब्यौरा होता है, ठीक है। आपका पैदा कहाँ, आप पैदाइश कहाँ हुए थे, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आप गए कहाँ, अगर आप प्रवास किए तो प्रवास का कारण क्या है, ये सब चीज उसमें लिखा गया। तो जनगणना का जो रजिस्टर होता है वो काफी ज्यादा विस्तृत होता है, ठीक है। तो ये डेटा जो है जनगणना के बारे में, यानी जनगणना 1881 में जो हुआ था उसी समय जो है एक तरह से डेटा जो है कॉपी में, रजिस्टर में दर्ज करना स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। अब चलिए 1961 में जनगणना में पहला मुख्य संशोधित किया गया, जिसमें दो घटक और जोर दिया गया, यानी पहला घटक जन्म स्थान और दूसरा निवास स्थान। यानी कहने का मतलब ये कि पहले जो था आदमी जो है रजिस्टर में, पहले की जो जनगणना हुई थी तो उसमें सिर्फ देखा जा रहा था कि आपका जन्म कहाँ हुआ, लेकिन वो भी लिखा जा रहा था, लेकिन ऑफिशियली रूप से जो 1961 में आजादी के बाद जो है जनगणना में, ये जनगणना का जो रजिस्टर है उसमें ऑफिशियली ये भी जोड़ दिया गया कि आपको जिस व्यक्ति की आप जनगणना कर रहे हैं उसका जन्म स्थान का भी आपको दर्ज करना है, उसका जन्म कहाँ हुआ था उनको भी दर्ज करना है, साथ ही उनकी निवास की अवधि कितनी है
है वो जहां रह रहे हैं वहां कितना साल से रह रहे हैं। ठीक है, दो चीज और जोड़ दिया गया 1961 में, दो चीज आगे और जोड़ दिया गया जनगणना में कि भाई जिस व्यक्ति की अगर आप जनगणना करेंगे, कोई भी जनगणना करने, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो, कोई भी अगर जनगणना करने जाएगा तो उस व्यक्ति का जन्म स्थान क्या है और उस स्थान में वो कब से रह रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जो है दर्ज होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गया 1961 में, ये चीज जोड़ा गया। फिर आगे दिमाग आया, सरकार के पास तो दिमाग आते रहता है। ठीक है, फिर 1971 में इन्होंने क्या किया, ठीक है, 1961 से 1971, क्योंकि 10 साल का गैप है, आपको पता है कि 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि के अलावा सूचना को भी जोड़ा गया। भाई सूचना यानी इंफॉर्मेशन, भाई आप वहां करते क्या थे, यानी आपका जो यहाँ जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ वहां के बारे में क्या सूचना है आपके पास, आपका इंफॉर्मेशन क्या है, उसको भी आपका दर्ज कीजिए, है ना। 1961 में सिर्फ कहा कि भाई ठीक है, सिर्फ जन्म स्थान लिख दो जहां जन्म हुआ था, और क्या कहता है उनका वह कितना दिन से रह रहा था, निवास की अवधि क्या थी, उसको जोड़ दीजिए। फिर 1971 में आया, फिर सरकार कहने लगी नहीं नहीं, अब वहां सिर्फ जन्म स्थान या फिर उनका निवास की अवधि से काम नहीं चलेगा, अब उनका जन्म स्थान के जहां उनका जन्म हुआ था उनका जन्म स्थान का नाम भी लिखना है, और वहां वो क्या कर रहा था, उनके बारे में क्या क्या सूचनाएं थी, वहां वो क्या कर रहे थे, उनके पिता माता, माता पिता श्री क्या कर रहे थे वहां, उनके बारे में भी लिखना है कॉपी में। मतलब सूचना को भी क्या कर दिया गया, इंफॉर्मेशन को भी जोड़ दिया गया, सूचना को भी जोड़ दिया गया। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि कब की जनगणना में सूचना को जोड़ा गया, यानी सूचना को जो है, सूचना को जोड़ा गया किस में, यानी पिछले जनगणना में गणना के स्थान पर जो है रुकने की अवधि के अलावा जो है सूचना को भी जोड़ा गया, कब, 1971 में जोड़ा गया। ठीक है, सरकार के पास माइंड आते जाता है, ठीक है, जरूरत बढ़ते जाती है, माना जब जरूरत बढ़ती जाती है तो डेटा का डिमांड होते जाता है सरकार की तरफ से। ठीक है, अब चलिए अगला है आपका 1981। ठीक है, फिर 1971 से फिर 10 साल का गैप लीजिए, फिर 10 साल का गैप लीजिए, फिर 1981 की जनगणना आई। ठीक है, तो 1981 में प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश किया गया जिनका क्रमिक जनगणनाओं में संशोधन हुआ। यानी अब भाई अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि आप तो ठीक है प्रवास करने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जन्म हुआ था उसके बारे में आपका सूचना दे दिए, आपका जन्म कहाँ हुआ था उसके बारे में आप सूचना दे दिए, जहाँ रह रहे हैं उनके बारे में सूचना दे दिए। अगर आप कहीं रह रहे थे, आपका जन्म हुआ था दूसरा जगह और आप जाके दूसरे जगह में बसे हुए हैं, ठीक है, तो आप वहां छोड़े क्यों, क्या हुआ, क्या कारण पड़ा जो आपकी प्रवास करी, यानी आपको क्या मजबूरी आई, किस कारण से आपने प्रवास किया, आप अपना जन्म स्थान छोड़ करके यहाँ भी रह रहे हैं। तो 1981 में इसको भी दर्ज किया गया कि भाई जो प्रवास किया है, जो व्यक्ति प्रवासी है उनका प्रवास का कारण क्या है, क्यों छोड़ के गया, इसको भी जो है जोड़ा गया। यानी कारणों पर भी सूचना को समावेश किया गया, यानी कारण सहित जो है सूचना को कलेक्ट करने का एक तरह से डेटा उसमें जोड़ा गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से सरकार जो है अपडेट होती जा रही है, और जो व्यक्ति है, क्योंकि आप समझते हैं कि एक तरह से देश में कोई भी व्यक्ति ना रहे, है ना, देश में कोई विदेशी आकर के ना रहे, नागरिकता लेने का जो एक तरह से प्रावधान है वो बहुत ही एक तरह से जटिल है, ताकि क्योंकि हमारे देश में कितने व्यक्ति रह रहे हैं ये तो सरकार के पास डेटा रहनी चाहिए ना। ठीक है, ये डेटा रहनी चाहिए, क्योंकि कोई बाहरी आकर के हमारे देश का संसाधन का प्रयोग करेगा। ठीक है, ये हर व्यक्ति का डेटा सरकार के पास रहनी चाहिए, तो सरकार जो है इस पर दर बदर गई नहीं, उसके दिमाग में आता जाता है, उनको एक तरह से संशोधन की जरूरत पड़ते जाती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया, ये एक तरह से हिस्टोरिकल चेंजिंग हो गया जनगणना के बारे में, जनगणना में कब क्या जोड़ा गया इसको बारे में आपको याद रखनी है, जनगणना में कब क्या जोड़ा गया इसके बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए अगला है आपका जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 100% आपको याद रखनी है भाई, यहाँ आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको जो है आप 100% इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है, किसी भी हाल में इसको भूलना नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास जनगणना करने के लिए आएगा, जो जनगणना के अधिकारी होंगे, सरकारी अधिकारी होंगे, वो सबसे पहले आपको ये पूछेगा, क्या व्यक्ति इस गाँव या शहर में कहीं और से आया है, कहीं और से आया है, ठीक है, कहीं और से यानी कहीं दूसरा जगह से आया है, यदि हाँ तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर जिला तथा ग्राम का नाम लिखिए। मतलब आपको सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई आप जो यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ आपका जन्म हुआ था या नहीं, अगर बोलिएगा कि नहीं मेरा यहाँ जन्म नहीं हुआ था, मेरा जगह हुआ था फलाना जगह में, ठीक है, तो आप बताइए अगर हुआ था उस फलाना जगह में तो उस जगह का जहाँ जहाँ आपका जन्म हुआ था उस जगह का जिला का नाम बताइए, स्थान का नाम बताइए, डेट बताइए, तारीख बताइए, वार्ड नंबर, पंचायत नंबर, सारा चीज बताइए। ठीक है, जहाँ आपका जन्म हुआ था, अगर नहीं हुआ था, ठीक है, जहां आप हैं उसके बारे में बताइए। मान चलिए हम अगर कोई मान चलिए हम जो हैं ए हैं, यहाँ ए स्थान में हम बसे हुए हैं, यहाँ मेरा घर है
और हम पहले थे बी स्थान में, ठीक है। यहां से आकर के हम यहां बसे हुए, यहां मेरे पास जनगणना का अधिकारी आया, ठीक है। यहां जो है जनगणना का अधिकारी आया कि पूछ रहा है भाई यहां जो ए स्थान में आप बसे हैं तो क्या पहले से ही आप यहां बसे हुए थे या फिर कहीं और से आए हैं। अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम बी स्थान से आए हुए हैं, ठीक है, तो ये जनगणना का अधिकारी हमसे पूछेगा, ठीक है, जो स्थान से आए थे उसका पूरा बायोडाटा हमको दीजिए, ठीक है। यानी बी स्थान जो है कहाँ है, उनका जिला क्या है, वार्ड नंबर, पंचायत नंबर, ठीक है, ये सारा चीज हमको दीजिए, ठीक है। अगर नहीं है यही के हैं, नहीं अगर नहीं है, अगर हम बी से नहीं आए हैं, बी से नहीं आए हैं, हम यही ए के निवासी हैं, यही मेरा जन्म हुआ था, तो ठीक है यही का करेक्ट करेक्ट डेटा दीजिए, यही का सही सही डेटा दीजिए। तो ये पहला सवाल हो गया, ये क्या हो गया, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये पूछेगा, दूसरा सवाल ये पूछेगा, दूसरा सवाल क्या पूछेगा कि क्या व्यक्ति इस गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है, यदि नहीं तब जन्म स्थान, जिला, राज्य, यदि देश से बाहर है तो देश का नाम की सूचना प्राप्त कीजिए, मतलब वही चीज है, ठीक है। प्रवास के कारण तथा निवास की अवधि पूछी जाती है, ये देखिए प्रवास पर, ये जो है प्रवास पर, यानी किस पर, प्रवास पर पूछी जाती है। अगर अगर माइग्रेशन करेंगे, अगर आप प्रवास करेंगे तो आपको जो है ये सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप माइग्रेशन करेंगे, प्रवास करेंगे तो ये सवाल पूछे जाएंगे, है ना, समझ गए, कोई दिक्कत, ठीक है। क्योंकि सरकार जो है, क्योंकि आप जानते हैं प्रवास करने पर ये सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि एक तरह से जो डबल आय हो जाएगा आपका, डबल गिनती हो जाएगा, है ना, अगर आपका क्या हो जाएगा, डबल गिनती हो जाएगा। मान चलिए जहां पैदा लिए थे वहां 5 साल रहे, आप 10-15 साल आप वहां रहे, वहां भी आपका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया, ठीक है, और यहाँ भी आपने क्या किया, यहाँ भी नया स्थान में भी आकर के आपने वोटर आईडी में नाम चढ़ा लिया, यानी जो मतगणना सूची है उसमें नाम चढ़ा लिया, तो एक व्यक्ति जो है दो जगह दिखने लगेगा। तो जब दो जगह दिखने लगेगा तो वास्तविक जनगणना का डेटा मिलेगा सरकार को, नहीं मिलेगा ना, इसलिए दोनों डेटा मैच कराने के लिए, मैच कराने के लिए दोनों डेटा को लेना जरूरी होता है, ठीक है, मैच कराने के लिए दोनों डेटा को लेना जरूरी होता है, दोनों जगह का इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब चलिए अगला क्या है, अब देखिएगा क्या पूछा गया है कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। ये चीज आप याद रखिएगा, कितने आधार पर, दो आधार पर की जाती है, हम लोग देख लेंगे कितने आधार पर की जाती है, दो आधार पर की जाती है, ठीक है। वीडियो क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, वीडियो क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिएगा, है ना, हम देख रहे हैं सभी लोगों का, शारदा मल्होत्रा क्या दिक्कत है, ठीक है, शारदा मल्होत्रा, शाजिया, ठीक है, उसके बाद है रिफर, ठीक है, उसके बाद है नीतू कुमारी, आर्यन पठान, है ना, आर्यन पठान, नियाज अंसारी, चलिए हम देख रहे हैं सभी लोगों का कमेंट देख रहे हैं। अब चलिए क्या है आपका, यहाँ है जो है ये क्या करना है कि यानी दो स्थान यानी दो आधारों पर की जाती है जनगणना, प्रवास की गणना जो है दो आधारों पर, पहला जो है जन्म स्थान, यदि जन्म स्थान गणना किस स्थान से अलग है तो उसको जन्म स्थान को इंडिकेट करना है, दूसरा है निवास स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है यानी अलग है और इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो दो स्थान, जन्म स्थान और निवास स्थान, यही दो बेस है, यही दो बेस है। प्रवास जो अगर करेगा व्यक्ति उसका जन्म स्थान पूछेगा और उसका निवास स्थान पूछेगा, ठीक है, ये दो बेस है, इसके आधार पर जनगणना की जाती है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ लोगों में 45.6 करोड़ ऐसे प्रवासियों की संख्या थी जो निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में थे। मतलब एक तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में 121 करोड़ जनसंख्या है, यानी 15वीं जनगणना 2011 में जो की गई तो उनके अनुसार ये पता चला कि हमारे देश में टोटल जो 121 करोड़ जनसंख्या है उनमें से 45.6 करोड़ जनसंख्या जो है वो पिछले स्थान से निवास है, मतलब ये लोग क्या किए हैं, प्रवास किए, मतलब ये लोग एक जगह से दूसरे जगह जाकर के बस गए हैं, है ना। हो सकता है ये लोग 10 साल में तो होता ही है भाई, 10 साल में कहां से कहां आदमी जाके बस जाता है, कोई शहर में से शहर छोड़ के गांव में आ जाता है, कोई गांव छोड़ के शहर में चला जाता है, तो 10 साल जो है 10 साल में तो चेंजिंग आएगा, ठीक है, तो 10 साल में चेंजिंग आएगा क्योंकि फैमिली बढ़ता है, जब फैमिली का मेंबर बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि घर एक जगह से दूसरे जगह बढ़ने लगता है, ठीक है। तो 45.6 करोड़ जनसंख्या यानी 37%, कितना 37%, ये आपका एनसीईआरटी का डेटा है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से आपको इसको याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए अगला है आपका प्रवास की धाराएं, क्या है प्रवास की धाराएं, प्रवास मुख्यतः दो होते हैं, आंतरिक प्रवास, ठीक है, यानी देश के भीतर और अंतरराष्ट्रीय प्रवास देश के बाहर। अगर हम देश के अंदर अगर प्रवास कर रहे हैं, है ना, अगर हम देश के अंदर अगर हम प्रवास कर रहे हैं यानी एक राज्य से दूसरे राज्य अगर जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रवास। अगर हम अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह घूमने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य प्रवास हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, बाह्य प्रवास कहेंगे। धारा का मतलब क्या होता है, प्रवास की धारा का मतलब होता है आप किधर से किधर जा रहे हैं, ठीक है, प्रवास की धारा का मतलब क्या होता है, आप किधर से किधर जा रहे हैं, आप ग्रामीण से ग्रामीण जा रहे हैं,
ग्रामीण से शहर जा रहे हैं या फिर शहर से ग्रामीण जा रहे हैं या फिर शहर से शहर जा रहे हैं, ठीक है। चार ही चीज ना हो सकता है भाई। अगर कोई प्रवास करेगा तो प्रवास क्या हो सकता है, वो ग्राम से एक गांव को छोड़ करके दूसरे गांव को जा सकता है या फिर एक नगर को छोड़ के दूसरे नगर को जा सकता है या फिर वह ग्राम का यानी गाँव का व्यक्ति होगा वो गाँव को छोड़ करके नगर में जा सकता है या फिर नगर का व्यक्ति होगा तो वो नगर को छोड़ करके ग्राम में ग्रामीण यानी गाँव में जा सकता है। तो प्रवास की कितनी धारा है, प्रवास की टोटल जो धारा होती है वह चार होती है। प्रवास की कितनी धारा है, चार होती है। और सबसे जो फेमस धारा है ग्रामीण से नगरीय, इसी धारा के अंतर्गत पुरुष आते हैं। पुरुष जो एक तरह से ग्रामीण पुरुष जो आते हैं इसी में आते हैं, रोजगार की तलाश में ग्रामीण पुरुष जो नगर की ओर चले जाते हैं तो वो कहां से कहां जाते हैं, वो अपना ग्रामीण से कहां जाते हैं, नगर की ओर, यानी ग्रामीण से नगर। तो ये कौन सा धारा हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय धारा, ये काफी ज्यादा फेमस है। और ये जो ग्रामीण से ग्रामीण जो धारा है ये विवाह के लिए फेमस है, स्त्रियों की विवाह यानी लड़कियों की जो विवाह होती है, शादी होती है, उसके लिए फेमस है। क्योंकि गाँव में जो शादी होती है लड़कियों की, वो एक गाँव से दूसरे गाँव क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं, वो एक गाँव से दूसरे गाँव जाकर के बस जाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। अब देखिए ये जो है ये चारों आपका प्रवास की धारा है। धारा का मतलब सिंपल सा चीज है भाई, धारा का मतलब क्या होता है, जब आदमी सिंपल सा चीज है, जो पानी का धारा उत्तर से दक्षिण जाती है ना, यानी किधर से किधर जा रहा है आदमी, किधर से किधर जा रहा है, ये जो पहला जो धारा होगा तो आदमी ग्रामीण से ग्रामीण जाएगा, एक गांव से दूसरा गांव जाएगा। दूसरा धारा में नगर से पहला नगर से दूसरा नगर, एक शहर से दूसरा शहर जाके बसेगा। ग्रामीण से नगरीय यानी एक गांव से दूसरा नगर जाके बसेगा, नगरीय से ग्रामीण, एक नगर से दूसरा ग्रामीण जाके बसेगा, ठीक है। ये चार धारा होती है, इसके अलावा पांच नहीं होता है, इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चारों को आपको याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। ये चारों को आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमडी मिस्टर खान, ठीक है। उसके बाद है सलाह, कौन है, शारदा मल्होत्रा, हैप्पी, उसके बाद सभी लोगों का अनुपम यादव, ठीक है। उसके बाद है माजिद, एमडी माजिद। चलिए ये लोग आपस में बातें करने लगे हैं, ठीक है। दो चार स्टूडेंट हैं जो आपस में बात करते हैं, बहुत ही खराब लगता है हमको, ठीक है। ये बात आप लोग सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लास जब करा रहे हैं तो क्लास को पहले अटेंड कर लीजिए, ठीक है। क्लास को पहले अटेंड कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में, ध्यान देखिए मेरे हाथ में कमेंट सेक्शन सबका दिख रहा है, ऐसा नहीं है, कमेंट सेक्शन सबका दिख रहा है। चलिए क्लास को पहले कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है आपका डेटा कि 2011 में जो जनगणना हुआ था, 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्ति आए थे, भाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये जो है एनसीईआरटी का डेटा है आपका कि 2011 में जब जनगणना की गई, जब 2011 में जनगणना की गई तो वहां पता चला कि 50 लाख व्यक्ति जो है, 50 लाख व्यक्ति भारत से बाहर आकर के, भारत से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल वगैरह से आकर के भारत में आके बसे हैं, ठीक है। जिनमें से 88.9% पड़ोसी देशों से आए हैं, जिनमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश प्रमुख है, यानी ये देश जो है, ये तीन देश मिलाकर के सबसे ज्यादा 88.9% जो लोग हैं वो बिहार यानी ये सब जैसे ये तीनों कंट्री से आकर के बसे हैं। 50 लाख व्यक्ति, कितना, 50 लाख व्यक्ति जो है हमारे देश में आकर के बसते हैं, प्रवास किए हैं, ठीक है। अब उसमें प्रवास का मतलब ये हुआ, अब इसमें ये लीगल है कि इलीगल है, लीगल होगा, क्योंकि लीगल होगा इसमें बहुत सारे इलीगल भी होंगे, ठीक है। लीगल का मतलब वो लोगों के पास सिटीजनशिप होगा, ऐसा नहीं कि आकर के उनको हमारे देश की सीमा बॉर्डर में है, आओ भाई आने का मन कर रहा है इंडिया, आ जाओ घुस जाओ, ऐसा थ्रू ना है। वो लोग क्या किया होगा, पासपोर्ट बनाया होगा, पासपोर्ट बना करके यहाँ का नागरिकता लिया होगा, तभी वहां यह लोग आकर के बसे होंगे, ठीक है। अब देखिए यूपी तथा बिहार राज्य ऐसे हैं जहां उत्प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है, उत्प्रवास, ठीक है। अब देखिए आपको यह जानना है भाई, ठीक है, आपको क्या जानना है कि उत्प्रवास का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये क्या सिंपल सा चीज है, उत्प्रवास और आप्रवास। आप्रवास का मतलब होता है किसी नया जगह जाके बसना, उत्प्रवास का मतलब होता है अपना जगह छोड़ना। उत्प्रवास का मतलब क्या होता है, अपना जगह छोड़ना, अपना मूल स्थान छोड़ना, काम के तलाश में, रोजगार की तलाश में अपना जगह को छोड़ करके दूसरे जगह में जाना। तो अपना जगह को छोड़ने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसी को क्या कहेंगे, उत्प्रवास कहेंगे। क्योंकि बिहार में ज्यादा रोजगार नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिहार में ज्यादा रोजगार नहीं है, तो बिहार के जो लोग हैं वो मुंबई, दिल्ली वगैरह चले जाते हैं, तो अपना जगह को छोड़ के जाते हैं, तो अपना जगह को छोड़ने की प्रक्रिया उत्प्रवास कहलाता है। इसलिए बिहार में सबसे ज्यादा उत्प्रवासी है। यही ना कह रहा कि बिहार राज्य ऐसे हैं जहां उत्प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है, बिहार तथा यूपी में उत्प्रवासी, क्योंकि बिहार और यूपी के लोग कहां चले जाते हैं, उत्प्रवासी का मतलब होता है अपना जगह छोड़ने वाला, यानी अपना जगह छोड़ने वाला, बिहार और यूपी के मूल स्थान के लोग अपना जगह को छोड़कर, अपना मूल स्थान यूपी बिहार को छोड़ करके अपना रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह चले जाते हैं, क्योंकि यहां जो है रोजगार की कमी है, ठीक है। यहां क्या है, रोजगार की कमी है, ठीक है।
अब देखिए क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्य अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, राजस्थान जैसे राज्य अन्य राज्यों से क्या करते हैं, प्रवासियों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि यहाँ उन लोगों को काम मिल जाता है। ये सब जो स्टेट है, ये सब थोड़ा सा डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है, ये सब जो है डेवलप्ड स्टेट है, तो ये लोग यहाँ क्या मिलता है, लोगों को काम मिल जाता है, तो लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में, काम करने के लिए वो सब स्टेट में जाते हैं और वहाँ रोजगार अपना लेते हैं और अपना पैसा कमाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब स्टेट में काम वगैरह चलता है, ठीक है। प्रवासियों में महाराष्ट्र का सूची में प्रथम स्थान है, इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर प्रवास की अगर बात की जाए जो सबसे पहला जो स्थान आएगा, सबसे पहला अगर स्थान आएगा, टॉप वन में जो आएगा वो कौन आएगा, वो महाराष्ट्र आएगा। टॉप वन में अगर आएगा तो वो कौन आएगा, महाराष्ट्र में आएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र की अगर बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र जो है आपका एक तरह से फिल्म उद्योग वही है, ठीक है, आपका मुंबई बंदरगाह वही है, फिल्म उद्योग भी आपका वही है, ठीक है, तो बहुत सारे वहाँ रोजगार हैं, क्योंकि विदेशी कंपनी जितनी भी आती है तो वहाँ बंदरगाह के कारण वहाँ आ जाता है, ठीक है, बंदरगाह के कारण या फिर फ्लाइट वगैरह का, यानी हवाई अड्डा वगैरह काफी ज्यादा डेवलपमेंट है, वहाँ काफी ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, तो वहाँ जो है काफी ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ प्रथम जो तरह से विदेशी लोग अगर आते हैं तो वहीं आके बस जाते हैं, ठीक है, तो ये कारण हो गया। अब चलिए, ये क्या है आपका, प्रवास के कारणों को दो वर्गों में बांटा गया, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक, चलिए बताइएगा, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक क्या करता है, आकर्षित करता है, प्रतिकर्ष कारक प्रकृति की तरफ से आता है। ये आपका बुक वन में भी था ना, ये जो था आपका बुक वन में भी था, ठीक है, इसलिए बहुत सारे टॉपिक जो है आपके बुक वन के भी इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है, पहला जो बुक है उसके भी टॉपिक आपको यहां मिलेंगे, ठीक है। तो प्रतिकर्ष कारक की अगर देखें, यानी जिसके कारण प्रवास करना पड़ता है उसको कहते हैं कारक, जिसके कारण प्रवास करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, कारक बोलते हैं। प्रतिकर्ष कारक प्रकृति की तरफ से आता है, इसको पुश फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्ष का मतलब धकेलना, पुश का मतलब क्या होता है, धकेलना। यह ऐसे कारक है जो लोगों को निवास स्थान अथवा मातृभूमि को छुड़वाने का कारण बनते हैं, जैसे कि आपका बाढ़ हो गया, सूखा, भूकंप, तूफान, ये सब क्या प्रकृति का तरफ से आता है, नेचर का तरफ से आता है, तो ये हो गया आपका प्रतिकर्ष कारक। जैसे कि आपका बाढ़ देख रहे हैं, ये बाढ़ जो है अपना घर द्वार छोड़ के लोग कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है प्रतिकर्ष कारक है और प्रतिकर्ष कारक प्रकृति की तरफ से आता है, ठीक है। तो पहला कारक हो गया प्रवास के दो कारक होते हैं, दो ही कारण होते हैं, आपको इसको याद रखनी। दूसरा क्या कारण है, ये है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक ये देखिए आकर्षित करता है, अपकर्ष कारक कहता है कि आओ तुमको काम देंगे, बहुत अच्छा मिलेगा, तुमको रोजगार मिलेगा, ठीक है, ये क्या है, अपकर्ष कारक है। तो अपकर्ष कारक क्या करता है, इसको पुल फैक्टर कहते हैं, ये कारक अलग अलग जगहों से लोगों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अर्थात अपकर्ष कारक आकर्षित करते हैं, जैसे कि अच्छी शिक्षा, जहां लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वहां लोग जाएंगे, अपना जगह छोड़ करके प्रवास करके वहां चले जाएंगे, वहां अपना अच्छा शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है। उच्च वेतन, उच्च सैलरी, स्वास्थ्य सुविधा, ये सब क्या है, अपकर्ष कारक है। देखिए ये व्यक्ति जो है गाँव के होंगे तो ये प्रवास यानी रोजगार की तलाश में शहर में जाकर के काम करते होंगे, ये भी व्यक्ति कहीं दूसरे के होंगे तो अपना दूसरे जगह के होंगे तो शहर में आकर के इलेक्ट्रिक मशीन अपना ठीक कर रहा है, ठीक है, तो ये रोजगार दोनों को मिल रहा है, तो रोजगार के कारण ये लोग कहाँ गए हैं, चले गए हैं, रोजगार लोगों को आकर्षित किया है तो अपना मूल स्थान छोड़ करके कंपनी में जाकर के दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या है, इसका ये जो कारण है, ये किसका कारण है, अपकर्ष कारक। ये क्या कहलाएगा, अपकर्ष कारक कहलाएगा। तो प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, याद हो गया, ठीक है। एक है आपका प्रतिकर्ष अपकर्ष, ठीक है। मात्र दो ही कारक है, प्रवास के कितने कारक फिर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, प्रवास के दो कारक, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक, ठीक है। ये होगा कारक होगा, ठीक है, प्रवास के दो कारक, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, ठीक है। अब चलिए अगला है आपका, अगला क्या होगा डियर, ध्यान दीजिएगा कि भारत में, अगला क्या कह रहा है कि भारत में 67% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके बाहर जाती है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी अब याद रखिएगा, लड़की हो, ठीक है, जो है लड़कियां जो होती है शादी के बाद 67% लड़कियां, यानी 100 में 67 लड़कियां जो होती है, यानी जो स्त्रियां होती है, वह शादी के बाद कहां चले जाते हैं, अपना मायके घर छोड़ करके अपना पति के यहाँ चले जाते हैं, अपना जहाँ जिस लड़के के साथ उनका शादी होता है, विवाह होता है, उसी के साथ उन्हीं के घर में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वो प्रवास कर जाते हैं, अपना घर को छोड़ देते हैं सदा जीवन के लिए। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्त्रियों के प्रवास का, परंतु मेघालय जो है ना ये बिल्कुल अलग है, यहाँ अगर लड़का अगर शादी करेगा तो लड़का अगर शादी करेगा ना तो उसको वहीं रहने दिया जाएगा, ठीक है।
लड़का अगर शादी करेगा यहाँ, मेघालय जो है इतना अच्छा स्टेट है क्योंकि दामाद से इतना प्यार हो जाता है घर वालों को कि दामाद को जो है पूरा जिंदगी भर के लिए घर में रख लेता है ना, क्या होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ये जो है मेघालय स्टेट, आप समझिए मेघालय आपका कहाँ है, मेघ जोर आलय बराबर मेघालय, सबसे ज्यादा बारिश से ही होती है, सबसे ज्यादा बारिश ही होती है, ठीक है। और ये मेघालय वालों को दामाद इतना पसंद आ जाता है कि वो लोग पूरा जिंदगी भर के लिए दामाद को क्या करते हैं, घर जमाई बना लेते हैं। इसलिए वहां शादी के बाद लड़कियां जो है प्रवास नहीं करती, शादी के बाद लड़कियां अपना माँ का घर, अपना बाप का घर नहीं छोड़ती, ठीक है। स्थिति उल्टा है, वहां स्त्रियां शादी के बाद माए के घर से बाहर नहीं जाती, बल्कि पुरुष क्या करते हैं, जमाई बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जमाई बन जाते हैं, ठीक है, घर जमाई बन जाते हैं। आप लोग भी बन जाते होंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में अभी कि वो लोग वही करेंगे, ठीक है, आगे चल के वो लोग वही करेंगे क्योंकि उन लोग को तो पढ़ना लिखना है नहीं, ठीक है, सोचते होंगे कि ससुर का पैसा होगा, खाएंगे पिएंगे, जॉब वगैरह तो होगा नहीं, पढ़ा लिखा तो करना नहीं है, ठीक है। अब चलिए अगला क्या होगा, अगला देखिएगा क्या है, अगला कि इन विवाहों की तुलना में क्या करा है, ये परसेंटेज आप याद रखिएगा, ठीक है, ये परसेंटेज आप याद रखिएगा, ठीक है, ये परसेंटेज हमको ये समझ में नहीं आ रहा। अगर एक बात याद रखिए, अगर कोई बिहार यूपी का लड़का होगा, उनको वहां का रूल पता नहीं होगा, ठीक है, और वहां जाकर के जो है शादी कर ले, ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे मतलब किसी दूसरे के कहने पर शादी कर लिया और वो सोचेगा कि चलो अभी एक महीने के बाद फ्लाइट से घर जाएंगे तो उसके साथ क्या होगा, यानी वो कहेगा यानी फ्लाइट मेघालय में जाके वो शादी कर लिया, ठीक है, शादी कर लिया, यूपी बिहार का लड़का है, वहां जाके शादी कर लिया, ठीक है। अगर वो कहेगा, घर से उनको फोन आएगा कि अब घर आ जाओ, ठीक है, ये कहेगा कि ठीक है हम घर जा रहे हैं, अपना बीवी को बोलेगा, अपना वाइफ को बोलेंगे कि चलो अब साथ में चलो उनका वाइफ का क्या रिप्लाई होगा कि चलो ठीक है हो गया काम, अब तुमको यहीं रहना पड़ेगा, कहाँ जा रहे हो, यहीं रहना पड़ेगा, रूम में बंद कर देगा उसको, है ना। चलिए ये सब स्थिति होती है क्योंकि हर दिन की संस्कृति है, वहां की संस्कृति है। अब देखिए ये सरसठ प्रतिशत आपको याद रखनी है, इन विवाहों की तुलना में देश में पुरुष प्रवास केवल 4% है, कितना है, 4%, यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर शादी के उपरांत अपना घर अगर छोड़ती है सबसे ज्यादा, तो महिला छोड़ती है 67% और पुरुष प्रवास कितना है 4%, यानी जो ये 4% में कौन, यही घर जमाई लोग, यही घर जमाई वाला दामाद सब, ठीक है, ये जो दामाद सब है घर जमाई वाला, वही लोग का गिनती इसमें आता है, ठीक है, या फिर उन लोगों का गिनती आता है, या फिर अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह बस जाएगा, ना ही अपना ससुर के यहाँ, ना ही अपने बाप के यहाँ, कहीं दूसरा जगह जाके बस जाएगा, ठीक है, ऐसा चीज होता है। तो ये समझ गए, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब चलिए प्रवास के परिणाम क्या हो सकते हैं, प्रवास के परिणाम, देखिए परिणाम क्या हो सकता है, अरे प्रवास अगर करेगा उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रवास प्रकार कारण तथा परिणाम, है ना, प्रवास प्रकार भी पढ़ लिए, कारण भी पढ़ लिए, और उसका परिणाम आपके लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, परिणाम अगर पढ़ेंगे तो ये चीज आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि सबसे पहला जो है सामाजिक परिणाम होगा, ये क्या होगा, सबसे पहला सामाजिक परिणाम होगा। सामाजिक परिणाम में क्या होगा कि भाई अगर कोई प्रवास का व्यक्ति अगर करेगा, कोई व्यक्ति अगर, यहाँ देखिए सामाजिक परिणाम क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, कोई लड़का अगर रह रहा है, या फिर कोई लड़की अपना गाँव में रह रही है, और वो 2 साल रह करके कहीं अपना फैमिली के साथ, या फिर मामा मामू वहीं है, अपने दिल्ली वगैरह कलकत्ता वगैरह घूम के आएगा, 5-6 साल रह करके आएगा, ठीक है, तो वहाँ का कल्चर वो लेके आ जाएगा गांव में, ठीक है, वहाँ का कल्चर वो लेके आ जाएगा गांव में, क्योंकि वहाँ जींस पैंट वगैरह चलता है, लेकिन गाँव की लड़की पहनती है, नहीं पहनती है, और वो भी यहाँ के पहनने लगी है, ठीक है, तो वहाँ का कल्चर यहाँ लेके आ जाएगा, तो समाज में क्या हो जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा, समाज में एक तरह से बदलाव आ जाएगा, समाज में चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। तो प्रवास से समाज में अलग अलग संस्कृतियों का आंतरिक मिश्रण होता है, जैसे कि आपको पता है हमारे देश के लोग, इंडिया के लोग ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस, अमेरिका वगैरह घूमते हैं, वहाँ का कल्चर लेके वहाँ यहाँ आ जाती है, फटा पैंट, फटा वगैरह, ये सब पता नहीं, फटा वगैरह सारा चीज पहनता है, ठीक है, ये सब कहाँ का समाज है, यहाँ हमारे संस्कृति की देन नहीं है, ये हमारे संस्कृति की देन नहीं है, यानी उधर से सीखते हैं और उधर से सीख करके यहाँ आके सिखा देते हैं, ठीक है, या चाहे गलत हो या सही हो, ठीक है, यहाँ के सिखा देते हैं, हम लोग सीख जाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, समाज में एक तरह से परिवर्तन हो रहा है, यानी समाज की संस्कृति में मिश्रण हो रहा है, ठीक है, एक की संस्कृति दूसरे से मिश्रित हो रही है, ठीक है, परिवर्तन ला देता है। नया प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, शिक्षा, विचार आदि का विस्तरण शहर से ग्रामीण क्षेत्र की ओर होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर प्रवास होगा, व्यक्ति अगर जाएगा, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह, अगर हम यहाँ अमेरिका का कोई व्यक्ति, अगर इंडिया का कोई इंजीनियर अगर अमेरिका जाएगा काम करने के लिए, तो वहाँ कुछ नया टेक्नोलॉजी अगर होगा तो वो यहाँ इंडिया में लेके आएगा, ठीक है। अगर कोई परिवार नियोजन वाला काम होगा, ठीक है, शिक्षा, ठीक है, हम देश में रह करके, ठीक है, हम देश में रह करके अपना जो है अच्छा तरह से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भी चले जाते हैं, है कि नहीं, बड़े बड़े मिनिस्टर के, बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनका बेटा बेटी लोग कहाँ पढ़ता है, इंडिया में पढ़ता है क्या, नहीं, जितने भी मिनिस्टर हैं, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हो या फिर किसी
स्टेट का मिनिस्टर हो, सब का बेटा बेटी जो है कहाँ पढ़ता है, विदेश में जाके पढ़ता है, अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, क्योंकि शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो ये भी किसके कारण हो रहा है, प्रवास के कारण हो रहा है, ठीक है। हम ये नहीं चाहते हैं कि उनका ना पढ़े, पढ़े भाई सब कोई पढ़े, लेकिन चला नेता सब जो है एक तरह से गरीब गरीब पर ध्यान नहीं देता, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को अपने से काम है, ठीक है, विसरण शहर आदि होती है। दूसरा है आपका आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम क्या हो सकता है कि उद्यम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ के रूप में प्रवासी हुंडी भेजते हैं, ठीक है, और प्रवासी के घर वाले इस हुंडी का प्रयोग भोजन, वस्त्र, पंजाब ये सब के लिए करते हैं। सिंपल सा चीज है, प्रवास करके जो है ये आर्थिक परिणाम होगा ना। अगर इंडिया का बहुत सारा व्यक्ति जो है दुबई में जाके काम करता है ना, दुबई में, सऊदी अरब में जाके काम करता है, तो वहां जो काम करता है तो वहां जो सैलरी वगैरह मिलेगा तो वो सैलरी कहाँ, वहीं खत्म करता है क्या, वो इंडिया भेजता है कि नहीं? तो इंडिया अगर भेजेगा तो इंडिया वाले को फायदा होगा, इंडिया वाले को क्या होगा, फायदा होगा, है ना, यानी अपना फैमिली को भेजता है तो अपना फैमिली वाले को, हम लोगों को फायदा होगा। एक तरह से आर्थिक क्या होती है, आर्थिक उन्नति होती है, आर्थिक परिणाम होता है, ठीक है। तीसरा है जनांकी के परिणाम। प्रवास के कारण देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, इससे नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, रोजगार की तलाश में कहाँ चले जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ चले जाते हैं, शहर की ओर, नगर की ओर चले जाते हैं, है ना। नगर की ओर जब चले जाते हैं तो प्रवास के कारण वहाँ क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व तो घट जाता है और जो शहरी क्षेत्र है उसका जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है, घट जाता है, और जो शहरी क्षेत्र है उसका जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाता है। तो ये क्या है, जनांकी के परिणाम, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, ये क्या है, एक तरह से क्या है, ये जो है आपका परिणाम है, ये जो है परिणाम है, किस चीज का परिणाम है, प्रवास का परिणाम है, सामाजिक, आर्थिक, जनांकी के परिणाम, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए पर्यावरणीय परिणाम क्या हो सकता है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय परिणाम अगर देखें तो ये कह रहा है, काफी सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरणीय परिणाम, तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास के कारण नगर में प्रदूषण, भूजल, ठीक है, भूजल का स्तर, ठीक है, अवक्षय इत्यादि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यानी जो अगर सिंपल सा चीज है, आप जानते हैं यूपी हो गया, आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, ये सब जो बड़े बड़े नगर है वहाँ ज्यादा कंपनियां हैं, ज्यादा फैक्ट्री है और ज्यादा लोग को रोजगार मिल रही है, ठीक है, सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लोग क्या करेंगे, ग्रामीण लोग वहां जाकर के काम करेंगे, ठूस ठूस के पूरा भर जाएंगे, और जनसंख्या घनत्व तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जब जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाएगा तो लोग ज्यादा सांस, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और वो पहले से ही फैक्ट्री वगैरह चल रहा है, ठीक है, पूरा एकदम कार्बन डाइऑक्साइड ये सब धुआं वगैरह चलते रहेगा, तो वहां क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की, एक तरह से CO की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा, धूल कण की मात्रा, वह सब बढ़ जाएगी, जिसके कारण वहां क्या होगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बहुत सारा प्रदूषण फैल जाएगा। इस तरह से वो ये क्या है, एक तरह से परिणाम है। तो पर्यावरण पर क्या पड़ेगा, कुइफेक्ट पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या पड़ेगा, बैड इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा इफेक्ट, बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो पर्यावरण में भी क्या होता है, चेंजिंग होता है, ये नहीं कि आप अगर वहां जाके बसे हैं तो वहां कुछ परिणाम नहीं होगा, वहां के पर्यावरण पर भी क्या होता है, परिणाम एक तरह से भुगतना पड़ता है, पर्यावरण में भी चेंजिंग आती है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला क्या है कि प्रवास से क्या होता है कि प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष अपने पत्नी को छोड़कर बाह्य प्रवास कर जाते हैं, जिस कारण स्त्रियां मानसिक और शारीरिक प्रभाव पड़ता है। यानी सिंपल सा चीज है भाई, यानी जो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ये बहुत एक तरह से क्या बोले कि अगर प्रवास करता है, आप या एक बात बताएं कि ये लाइन क्या करा, इस लाइन को हम समझा रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति है, इंडिया का कोई व्यक्ति है, वह शादी किया, ठीक है, वह शादी करने के बाद जो 2 साल रहा अपने फैमिली के साथ, 2 साल रहा, ठीक है, और 2 साल रह करके वीजा वगैरह बनाया, चले गए दुबई काम करने के लिए, और दुबई में जानते हैं आपको 2 साल या 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको इंडिया लौटने नहीं देगा, ठीक है, 2 साल या 2.5 साल का वीजा बनता है, तो वो चले जाएगा, दुबई चल जाएगा, ठीक है। जब दुबई चल जाएगा तो वहाँ क्या होगा कि एक तरह से वो परमानेंटली रहेगा, तो अब 2 साल उसको फैमिली को रहना पड़ेगा कि नहीं, उनका घर वाले को, उनके वाइफ को अकेला रहना पड़ेगा, उनका पूरा घर को उनको संभालना पड़ेगा, ठीक है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो पूरा बोझ जो है, पूरा घर का जिम्मेदारी एक तरह से लेडीज पर आ जाती है। अगर घर का जिम्मेवार लोग, यानी जो गार्जियन है, वो अगर पुरुष अगर गार्जियन है, वो अगर छोड़ के चला जाएगा तो पूरा बोझ, पूरा जो एक तरह से सामाजिक स्थिति, घर का खर्चा, ये वो काम वगैरह सारा चीज जो है स्त्री को संभालना पड़ता है, जिसके कारण स्त्री पर मानसिक प्रभाव और शारीरिक प्रभाव ज्यादा पड़ता है, बैड इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो ये सब चीज क्या है, ये कारण है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आपका क्लोज हो गया, ये चैप्टर जो है आपका एंड हो गया, इसमें आपका कुछ था ही नहीं, क्या था कि प्रवास क्या होता है, उसके कारण क्या है, उसके प्रकार क्या है, और उसके परिणाम क्या होते हैं। 4 टॉपिक था, प्रवास, प्रकार, कारण तथा परिणाम। क्या था, प्रवास क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, उसके कारण क्या है, उसके परिणाम क्या है। 4 से 5 टॉपिक आपका नहीं है, तो ये चैप्टर आपका क्या हो गया, द एंड, ये क्या हो गया, द एंड हो गया, ठीक है। तो आपका इस तरह से आपका इसका थ्योरी हम कंप्लीट करा दिए, थ्योरी हम कंप्लीट करा दिए, इसका सब्जेक्टिव हम कंप्लीट करा देंगे भाई,
ठीक है, और ऑब्जेक्टिव इसका हो जाएगा। तो फिर अगला चैप्टर जो होगा फिर चैप्टर थ्री होगा, ठीक है, चैप्टर थ्री होगा। तो इसमें ये सेकंड बुक में टोटल कितना चैप्टर है, सेकंड बुक में आपका टोटल 12 चैप्टर है। तो जो दो चैप्टर आपका समाप्त हो गए, 10 चैप्टर बचा है। तो उम्मीद करिए कि पूरा 10 चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे और बहुत ही जल्द खत्म करेंगे। तो एक मिनट आप देखिएगा, एक मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, एक मिनट पर, ठीक है। अब देखिए, पर्यावरणीय परिणाम, जनांकीय परिणाम, आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम, ये क्या है परिणाम, ये प्रवास का परिणाम है। और ये नहीं, जो हम बताए हैं इससे अच्छा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में टॉपिक आता है तो इससे अच्छा भी आप लिख सकते हैं। ये सब क्या है, परिणाम है, जिसको आपको प्रवास के अगर परिणाम अगर पूछा जाएगा तो ये सब चीज लिखना है। ये देखिए 67 और 4, ये 4 और 67 याद रखिएगा। शादी के बाद जो है 67% स्त्रियां कैसे क्या करती है, अपना घर छोड़ देती है, मायके यहाँ अपना घर छोड़ देती है, और 4% जो है स्त्री उपरांत यानी पुरुष जो है विवाह के उपरांत क्या करते हैं, प्रवास कर जाते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला है आपका अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। ये जो है प्रवास के कारण या कारक है, ये दोनों कारक को आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए, ये जनगणना में कब क्या बदलाव हो किया गया, ठीक है, 50 लाख जनसंख्या जो है वो हमारे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार विदेश से आकर के बसा है, यानी अगल बगल पड़ोसी देश जो है वो सबसे आकर के बसा है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। प्रवास के आंतरिक धारा यानी आंतरिक प्रवास में 4 धाराओं की एक तरह से क्या की गई है, पहचान की गई। आंतरिक प्रवास, मैंने आपको बताया था प्रवास आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य प्रवास, एक होता है आंतरिक प्रवास। अगर हम देश से बाहर चले जाएंगे वो आपका बाह्य प्रवास, अगर हम देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य अगर प्रवास करते हैं या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो वो आंतरिक प्रवास। तो आंतरिक प्रवास की जो धारा है, धारा का मतलब दिशा यानी डायरेक्शन, ठीक है, दशा दिशा यानी डायरेक्शन, ठीक है, किधर से किधर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं और ये पूछा भी जाता है, ये आपका पूछा भी जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, इससे पहले क्या था प्रवास की धारा है, ये इससे पहले क्या था कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधार पर की जाती है, प्रवास जन्म स्थान और क्या है निवास स्थान। प्रवास की गणना 2 आधारों पर, जन्म स्थान आपका क्या है और निवास स्थान क्या है, इसके आधार पर गणना की जाती है, प्रवास के आधार पर जनगणना की जाती है, ठीक है। जनगणना के क्या मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रवास अगर आप किए हैं, अगर आप माइग्रेशन किए हैं, अगर आप माइग्रेट हैं, ठीक है, तो उस पर आपको क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, यहाँ 3 सवाल पूछा जाता है जनगणना में, ठीक है, ये शॉर्ट में आपको पढ़ाया गया, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कब क्या मतलब जोड़ा गया, 1881 का जनगणना में क्या जोड़ा गया, 1961 और 1971 का जनगणना में क्या जोड़ा गया, ठीक है, कब कहाँ सरकार की तरफ से 1961, 1971, 1981 मतलब संशोधन किया गया, कब कब जोड़ा गया, क्या क्या डेटा का मतलब मांग किया गया सरकार का तरफ से, उस चीज को यहाँ जोड़ा गया, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कब कब चेंजिंग हुआ, ठीक है। एक तरह से प्रवास के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, प्रवास जो करते हैं व्यक्ति उसका क्या कारण क्या मतलब वजह हो सकता है, इसको हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये था प्रवास क्या होता है, इसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो चैप्टर आपका क्लोज हो गया, चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था। कोई अगर दिक्कत हो, कोई अगर परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट आपका सेक्शन खुला हुआ।